विच भांकर, एक नए एपिसोड और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आज के एपिसोड आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जेई बहुत नज़दीक है, 6 अप्रैल से एग्ज़ाम से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जेई के थ्रू IIT या फिर NIT की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, उनके यूनिवर्सिटी उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों ना आज बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर एज अ सब्जेक्ट लेना चाहिए या फिर जो लेटेस्ट अपकमिंग ब्रांचेज है जैसे कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये कोर्सेज को लेके आप आगे बढ़े। तो इसी के लिए आज हमने हमारे वन ऑफ द पैनल मेंबर को इनवाइट किया है, डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जो कि पिछले 20 साल से कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के इस फील्ड में है और अभी करेंटली ये 2005 से लखनऊ यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो क्यों ना सर से डायरेक्टली सलाह ले, तो चलते हैं पुनीत मिश्रा सर के पास। पुनीत सर, एक बार फिर से स्वागत है करियर काज विद शुभांकर पे। तो सर, जैसे पिछला एपिसोड मुझे याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। इस बार क्योंकि आप हमारे पैनल मेंबर हैं, एडमिशंस जोरों शोरों से चल रहा है, तो बच्चे जो है दो तरफ जा रहे हैं। एक तो जो पेरेंट्स का जिन पे इन्फ्लुएंस है, अपने सीनियर्स से बात कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स तो कोर कंप्यूटर साइंस की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दो डिफरेंट ब्रांचेस अभी लेटेस्ट है, क्योंकि अगर मैं आज की बात नहीं करूँगी, मैं 4-5 साल बाद की बात करूँगी जब वो पास हो रहे स्टूडेंट्स। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों को चूज़ करना चाहिए, हाँ कि नहीं? थैंक यू शमिल, मुझे दोबारा बुलाने के लिए। और कंप्यूटर साइंस हमेशा से बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड रही है एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी अपना करियर शुरू करना चाहता है। तो आज अगर हम 10 लोगों से बात करें तो उनमें से छः लोग कंप्यूटर साइंस के कोर कंप्यूटर साइंस के एरिया में ही जाना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी फैसिनेटिंग ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस की शुरू हुई, चाहे हम IoT की बात करें, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम मैकेट्रॉनिक्स की बात करें। सो देर आर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस जिनमें आज लोगों का रुझान है, लोग अलग अलग तरीके से सोच रखते हैं और उन करियर्स को भी ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी कंप्यूटर साइंस कोर एरिया ऐसा है जहाँ पे लोगों की दिल जो प्रायोरिटी है वो पहली रहती है, क्योंकि इसको करने के बाद वो किसी भी और एरिया में जा सकते हैं आसानी से। ओके, तो सर जो जैसे आपने खुद ही मुझे ब्रांचेस के बारे में बताया, ये कंफ्यूजन है और बट जो ये ब्रांचेस है, जो उभरती हुई ब्रांचेस है, इसमें जॉब ऑफर्स बहुत है और बहुत हाई पे पैकेज पे आ रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ, काउंसलिंग टाइम में भी जो है पेरेंट्स यही सवाल करते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही बच्चा जाए और रिस्क ना उठाए, तो आपका क्या कहना है इसमें? इस मामले में मेरा मत ये है कि कंप्यूटर साइंस कोर कोर्सेज में स्टिल अभी भी लोगों का प्रायोरिटी इसलिए रहता है क्योंकि प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं और सिस्टम डेवलपमेंट की बात है और जहाँ तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स हैं, इवन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्लब, ये सारी चीज़ें बच्चे उस कोर्स करिकुलम के दौरान पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ, स्टैटिस्टिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तमाम तरीके की चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट महसूस हुई कंप्यूटर साइंस के साथ में, तो फिर क्लब करके, कोऑर्डिनेशन करके कुछ और नई ब्रांचेज आईं। जैसे हम बात करें मैकेट्रॉनिक्स की, सो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्लब करके एक ब्रांच आई जिसका मेन एम क्या है कि ऐसे मैकेनिकल बेस्ड सिस्टम्स को हैंडल करना जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जो हैं आसानी से हैंडल किया जा सके। अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेटा लॉगर से लेकर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से लेकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें भी चाहिए होते हैं, लेकिन तमाम अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्टिकुलर एरिया में है।
फिर अगर हम बात करें तो डेटा साइंस में तमाम तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपका स्टैटिस्टिशियन का फ्लेवर है, अगर आप एनालिटिक्स की बातें करते हैं तो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, इन सब चीज़ों में आप अपने आप को अलग तरीके से ले जा सकते हैं। और ये इस तरीके की फील्ड्स हैं जो आपको एक नया करियर ग्रोथ दे सकती हैं। तो ये सिंपल सी बात है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें, IoT एक नया ट्रेंड आजकल के आया हुआ है जिसमें हम सेंसर्स की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, स्मार्ट होम्स की बात करते हैं, और सेंसर्स का एप्लीकेशन थ्रू डेटा लॉगिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। तो इसमें भी तमाम तरीके का सेंसर फैब्रिकेशन से लेकर के डेटा जनरेशन से लेकर के डेटा को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, इन सब में तमाम तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो ये भी डिफरेंट नए कोर्सेज हैं और इनमें नई नई तरीके की चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो सर मैं ये कोर्सेज पे तो आऊँगी ही, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल उसी से कंप्यूटर साइंस, कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मिलता जुलता है कि क्योंकि हमें सबको पता है कि जब कोई स्टूडेंट CS परस्यू कर रहा है तो उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कोर कंप्यूटर साइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे जो है ये सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है इसके ऊपर भी काम कर सके, अपने आप को अपडेट कर सके? आजकल कोर कंप्यूटर साइंस जो बच्चे करते हैं उनके पास एक एडेड एडवांटेज होता है कि तमाम सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आजकल या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी, इवन ISC बेंगलोर या IITs भी अपने यहाँ से तमाम तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्सेज दे रहे हैं जो कि उनको ऑनलाइन किया कर सकते हैं, जो कि अलग अलग एरियाज़ में हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ा सकते हैं और फिर फर्दर किसी ब्रांच में एक्सेल करके जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा अप्रोच है जो पहले बच्चों के पास नहीं उपलब्ध होता था कि वो अपनी स्किल एनहांसमेंट कैसे करें। अगर मैं कोर कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट IoT में है तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ तो वो कोर्स अब मुझे नहीं मिल पाएगा, तो वो एड ऑन कोर्स इस तरीके के ज्वाइन करके अपने आप को। ओके, तो सर NEP के तहत जो डुअल डिग्री प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है तो क्या इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी बच्चे ये कुछ ऑप्शंस हैं इनके लिए? डुअल डिग्री प्रोग्राम में बेसिकली अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में ही 4 साल के कोर्सेज हैं और 4 साल के बाद फिर बच्चों के पास जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स की वहाँ पे हमको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस महसूस नहीं होती। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर कोर कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप परस्यू करिए, बड़ों की बात सुनिए, लेकिन अपने आप को अपडेट करने के लिए पुनीत सर का कहना है कि प्लीज़ जो कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है या जो भी कोर्सेज है उसके साथ अपने आप को अपडेट करते चले जाइए, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब प्लेसमेंट कंपनीज आएगी तो ये सारे सर्टिफिकेशंस जरूर काम आएगा। जरूर काम। पुनीत सर बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल है आपसे। एक्सचेंजर ने रिसेंटली अपने 3,500 एम्प्लॉयज फायर किए हैं और ये भी बता जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस में इस फील्ड में एक बहुत बड़ा मार्केट स्लम आने वाला है, रिसेशन स्टार्ट हो रहा है। तो सर इसमें जो है बच्चे के सर्वाइव कर पाएंगे जो कोर कंप्यूटर साइंस में है, क्योंकि आने वाला दुनिया सब लोग यही बोल रहे डेटा एनालिटिक्स और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया है। मैं इस मामले में बाकी लोगों से अलग मत रखता हूँ क्योंकि मेरा इतना मानना है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप में स्किल्स हैं और आपने अच्छे तरीके से अपने कोर कंप्यूटर साइंस को पढ़ा है तो आपको कभी भी जॉब के लिए दिक्कत नहीं होगी। मेनली दिक्कत वह होती है जो अपने आप को अपडेट नहीं करते या उसी ढर्रे पे रहना चाहते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया और आगे हमको अपडेशन नहीं चाहिए, उनको दिक्कतें आ सकती हैं कुछ ज़रूर। लेकिन मेरा इतना मानना है कि कोई भी रिसेशन इंडिया में काम नहीं करता क्योंकि हमने अपना इंडस्ट्री ओरिएंटेशन और जो हमारा पर्सनल मोटिवेशन है ये सब इस तरीके की चीज़ें रखी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एक टाइम रिसेशन आया था तो लोगों ने तमाम अपने आप से स्टार्टअप्स करने शुरू किए और आज स्टार्टअप्स का ज़माना है। आप देखिए तो छोटी छोटी चीज़ों के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस दे रही हैं छोटी छोटी कंपनीज, वही स्टार्टअप्स ग्रो करके मल्टी मिलियनर बनते जा रहे हैं स्टार्टअप्स के ओनर्स। तो कहीं ना कहीं जिनमें स्किल सेट्स है वो किसी ना किसी तरह से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, लेकिन जहाँ पे आप में मेहनत करने का मादा ही नहीं रहेगा तो आप फिर उसके आगे की चीज़ें आपको फिर
ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वेरी ट्रू सेड सर, जज्बा है तो आई थिंक निकल आने चाहिए अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि 17 इयर्स 18 इयर्स के स्टूडेंट्स कितने एप्स बना रहे हैं एंड कितने हेल्पफुल एप्स है। एंड अगर मैं शार्क टैंक में देखूँ तो इसी में मुझे समझ में आ रहा है कि 17-18 साल के बच्चे भी इतना अच्छा सोच, इतने प्रोएक्टिव अप्रोच है इनके पास। तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले जो नए ब्रांचेज है उसके बारे में बात किया, तो मैं थोड़ा सा अब जानना चाहती हूँ मेकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, क्योंकि अगर मुझे मेकाट्रॉनिक्स अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में सोचूं तो ये मुझे कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज़्यादा पार्ट लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस में जो है मैकेनिकल के अंडर में ये मेकाट्रॉनिक्स है और किसी में जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी है ये। तो इसके बारे में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने जब अपने कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किए अकॉर्डिंगली NEP को ध्यान में रखते हुए, तो अपने यहाँ के स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से कोर्स करिकुलम में आइदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में मेकाट्रॉनिक्स को इसका पार्ट रखा, कुछ ने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको अपना पार्ट रखा हुआ है। सो जब हम बात करते हैं मेकाट्रॉनिक्स की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अमलगमेशन है, और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं मेकाट्रॉनिक्स की, सो आपका व्यू क्या है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स को बनाना जो कि मैकेनिकल पार्ट्स रखते हों। सपोज़ करिए कि मुझे एक मूविंग रोबोट बनाना है और उस रोबोट के अंदर रोबोटिक हैंड बनाना है, सो उस रोबोटिक हैंड को बनाने के लिए जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं हमको वहाँ पे मोटर्स इंस्टॉल करने होंगे, उन मोटर्स को कहीं ना कहीं हमको इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के थ्रू कंट्रोल करना होगा, जिनको कि मैकेनिकल जो मैकेनिकल पार्ट्स को कंट्रोल करेंगे, और साथ में इसके लिए प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस से आएगी। तो तीनों को क्लब करके, तो मेकाट्रॉनिक्स का बहुत जगह यूज़ है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े रोबोटिक फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े इक्विपमेंट बनते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर आप मेकाट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी महंगी कारें हैं जिनमें आजकल ह्यूमन कंट्रोल से जब आप ऑटोमेटिक कंट्रोल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी मेकाट्रॉनिक्स की बात होती है। इसी तरह से आप देखते होंगे तमाम तरीके के सिमुलेटर्स, उनको भी हैंडल करने के लिए आजकल मेकाट्रॉनिक्स का यूज़ होने लगा है, ताकि सपोज़ करिए आपको मिग का पायलट ट्रेन करना है, सो आपने एक उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया सिमुलेटर के साथ में, ताकि पर्सन को फील हो और उस तरीके की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। सो ये एक बड़ी फील्ड है जिसको कि अभी इंडिया में टेकअप किया जा रहा है, धीरे धीरे लोग समझना शुरू किए हैं, रोबोट्स बन रहे हैं, रोबोटिक हैंड्स बन रहे हैं, और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें जहाँ पे ह्यूमंस का इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है लेकिन मैकेनिकल तरीके से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सारी जगहों पे हम मेकाट्रॉनिक्स का यूज़ कर रहे हैं। सर बहुत अच्छे से आपने समझाया, बट एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू मेकाट्रॉनिक्स एक्सेप्ट करें, ये कोर्स चूज करें, कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थ्रू ये करें। बेसिकली मेकाट्रॉनिक्स की जब हम बात करते हैं तो आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बीटेक इन मेकाट्रॉनिक्स ही शुरू किया है, और इसके अलावा कुछ लोगों ने अपने यहाँ स्पेशलाइजेशंस दिए हैं। स्पेशलाइजेशंस अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो स्टूडेंट्स अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करेगा तो मेकाट्रॉनिक्स में जाएगा। अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ने मेकाट्रॉनिक्स को एज अ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बनाया तो वो उसमें एज अ स्पेशल पेपर पढ़ करके अपने नोहाउस बढ़ा सकते हैं। ओके सर, अब इसी के चलते नेक्स्ट जो ऑप्शन अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चांसेस है, बच्चों को कहाँ आगे जॉब ऑफर्स मिलेंगे, थोड़ा अगर एग्जांपल के साथ अगर समझाए। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रख करके इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने को हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग नाम देते हैं। When we talk about smart manufacturing, suppose करिए Boeing का प्लेन बनना है, ठीक है, तो वो प्लेन बनाने की फैक्ट्री यहाँ नहीं है लेकिन स्टिल Boeing का ऑफिस है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे बैठ करके उनके वर्चुअल इन्वायरमेंट पे सब चीज़ें क्रिएट करते हैं,
ठीक है, वो क्रिएशंस वहाँ पे लोग इंजीनियर्स देखते हैं, उनको चेक करते हैं रियल टाइम, उनका उनके ऊपर टेस्टिंग होती है, और फिर फाइनली बोइंग अपने अंदर वो चेंजेस लेकर के आता है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और इसमें हमने बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को ईज करने के लिए तमाम सारे कंपोनेंट्स को जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड, ये सारी चीज़ें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में आती हैं। इंटरेस्टिंग है काफी। एंड सर आईओटी, फिर आईओटी में फिर हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट? हाँ, आईओटी नया बूम है, और मेरे ख्याल से हम आई थिंक लोग, एक दो साल में ही ये हाँ ज्यादा ये सुनने में आ रहा है। ज़्यादा सुनने में आया, दो वी आर लेट बट स्टिल वी आर ग्रैबिंग। सेंसर्स का मैन्युफैक्चरिंग आज से कई सालों पहले हुआ, लेकिन जब हम बात करते हैं सेंसर्स की, तो सेंसर्स का बेसिक काम क्या है, किसी एक फिजिकल एनवायरनमेंट से चीज़ों को सेंस करना। फिर एक दूसरी चीज़ काम करती है एक्चुएटर्स, जिनका काम क्या है, एक्शंस करना। सो जस्ट लाइक वी ह्यूमन डू, वी सेंस, वी हैव सेंसरी ऑर्गन्स थ्रू विच वी सेंस, एंड अकॉर्डिंगली आवर हैंड्स, लेग्स, दीज आर एक्चुएटर्स विच वर्क अकॉर्डिंगली। सपोज कि ये मैंने खतरा सेंस किया, देखा सामने आग लगी है, तो मैं आग लगाने के लिए, आग बुझाने के लिए प्रयत्न करूँगा ताकि आग किसी तरह बुझ जाए। तो सेंसर्स ने अपना काम किया, एक्चुएटर्स ने अपना काम किया, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स का दखल हुआ, सेंसर्स आए, तो हमारी दुनिया अब बिल्कुल बदल गई है। अब हम स्मार्ट सिटीज़ के कंसेप्ट पे आ गए हैं, स्मार्ट होम्स की बात करने लगे हैं, और तमाम सारी चीज़ों को कंट्रोल सेंसर्स के थ्रू करना चाहते हैं, और ठीक भी है, क्योंकि इन प्रोसेसेस में उतने ह्यूमन इंटरवेंशंस नहीं हैं। अब थिंक ऑफ अ रूम जिसमें कि हम आप बैठे हैं और अभी लाइट जल रही है, थोड़ी देर बाद हम ये रूम छोड़ कर के चले जाते हैं, तो लाइट का वेस्टेज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सेंसर जो बने हुए हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही उनको पता चलेगा यहाँ कोई ह्यूमन नहीं है, वो तमाम सारे पैरामीटर्स को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली लाइट वो बंद कर देंगे। और सपोज बंद हो गई लाइट और मैं उसी रूम में बैठा हूँ, तो अचानक से मैं क्या करूँगा, अपना हाथ जैसे ही हिलाऊंगा सो तुरंत लाइट जल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें गवर्न हो रही हैं सेंसर से। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप दिन भर में इतनी सारी चीज़ों में आते हैं, धीरे धीरे सेंसर्स का उपयोग बढ़ रहा है। और आपने देखा भी होगा, अभी हम घर जाते हैं ताला बंद करके जाते हैं, गैस कहीं बाहर सिटी से बाहर जा रहे हैं तो ये चेक करके जाते हैं कि गैस का सिलेंडर का नॉब बंद है या नहीं है, पानी का सप्लाई का वाटर नॉब बंद किया था या नहीं किया था, बिजली चली गई थी तो आ गई हो तो बिजली के लैंप्स जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, ये सब चीज़ें हम अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं। इवन अब तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि आप ऑफिस से घर के लिए चलते हैं और घर के एनवायरनमेंट को कूल करने के लिए ऑफिस से ही अपने मोबाइल के थ्रू कमांड देते हैं अपने एसी को, एसी स्टार्ट हो जाता है और एक रूम टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। और शायद ये इफ़ेक्टिव चीज़ें हमको आईओटी की वजह से ही देनी पड़ी। अगर हम आईओटी की बात करें, सो वी हैव टू पार्ट्स इन टू इट, वन इज़ कॉल्ड एज इंटरनेट एंड द सेकेंड पार्ट इज थिंग्स। तो ये थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट अप्लायंसेज इन विच सेंसर्स आर इनबिल्ट, एंड थ्रू एंड दीज डिफरेंट अप्लायंसेज और सेंसर्स आर बेसिकली टेकन केयर बाय इंटरनेट। सो इंटरनेट सारी ये चीज़ें कर रहा है। तो आई थिंक अगर मैंने अभी हाल ही में ही देखा था, जैसे हमारे इंडिया में तो अभी भी ये टेक्नोलॉजीज आ रहा है, अपकमिंग है, बट बाहर ऑलरेडी जो है सुपरमार्केट से जो होम डिलीवरी है वो भी जो है ये रोबोट्स उन्होंने बनाया है। तो एक रोबोट जब उन्होंने बनाया है तो उसमें जो है ये सिस्टम आपका आईओटी भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका मेकाट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से जो है ये सारे जो अपडेटेड जो कोर्सेज है ये करके जो है स्टूडेंट आई थिंक 5 या 6 ईयर्स बाद इनके लिए बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है। आप 5 से 6 साल कह रही हो, मैं तो कह रहा हूँ अभी ही जिन लोगों ने इस इन विषयों में महारत हासिल कर रखी है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो एरियाज भले आपको डिफरेंट दिख रहे हों, लेकिन अगर मेरी एक्सपर्टाइज है तो हम
इन फील्ड्स में आसानी से अपनी पोजीशंस ग्रैब कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सर, अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग है, सभी लोग बात कर रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी ये कोर्सेज मर्ज होके भी आ रहा है और स्टूडेंट जो है खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ले रहे हैं। तो सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है क्या लग रहा है आपको, जो अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पास आ रहा है अभी, अगर मैं अभी के लिए बात करूं, क्योंकि अगर मैं देख रही हूं तो जॉब्स के लिए जो कंपनीज है वो कोर कंप्यूटर साइंस से ज्यादा बच्चे चूज कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा पूरा मार्केट आ गया है। तो सर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है, बच्चे कहां क्या सोच सकते हैं अपने अपकमिंग करियर के लिए? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख का बूम है, इवन नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट कर रही हैं। बेसिक काम क्या है कि जहाँ पे हमें ह्यूमंस नहीं यूज़ करने हैं, वहाँ पे हम मशीन्स को ह्यूमन लाइक बना करके यूज़ कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन यही है, मिमिकिंग मशीन्स। और जब हम मिमिक मशीन्स को कर रहे हैं तो वो ह्यूमन के कंसेप्ट में कर रहे हैं। सो जितनी भी तरीके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के, वो सारे के सारे आज की तारीख में हम यूज़ करना चाहते हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। एआई का यूज़ बहुत जगह डिसीजन मेकिंग में है, बहुत सारे, सपोज़ करिए पावर प्लांट है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज शूट आउट होता है तो किस चीज़ को चलाना है, किस चीज़ को रोकना है, इनमें अब ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एआई बेस्ड चीज़ें हैं जो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। इवन पुराने ज़माने की दवा की फैक्ट्री होती थी, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ लेबर इनटू इट, सपोज़ करिए एक लेबर किसी दिन बीमार हो गया तो आपकी फैक्ट्री में उस दिन प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाता था। आज आपके पास एआई बेस्ड टूल्स हैं जिनमें ऑटोमेटिक ट्रेज हैं, खाली ह्यूमंस का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है। ऑटोमेटिक ट्रेज पे बॉटल्स लगती हैं, वो आगे जाती हैं, एक कंटेनर होता है जिससे उनमें सिरप गिरता है, फिर वो आगे जाता है, पैकिंग होती है, पैकेजिंग, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंट्रोल्ड हैं इन अ इन्वायरमेंट विद एआई, और लास्ट में काउंटिंग करके पैकेजिंग भी उनकी उसके थ्रू हो रही है। तो सोचिए एक छोटी सी चीज़ को आपने कैसे आसानी से एआई के थ्रू इफेक्टिव इंडस्ट्री के फॉर्म में बना लिया। आप ये तो मैंने छोटी सी बात करी, इवन बड़े बड़े कार की मैन्युफैक्चरिंग, एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह आजकल हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी मशीन्स को हम डिसीजन मेकर्स के फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं। दो शॉर्टकमिंग्स आर देयर, दो एआई का जो इफेक्टिवनेस है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी ये जो एआई का सफ़र अभी हम देख रहे हैं चलता हुआ, ये आगे के दिनों में हमको बढ़ता हुआ और दिखाई देगा। और जो भी बच्चे एआई की ब्रांचेस में जा रहे हैं उनके लिए ऑब्वियस है कि बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज सामने उनको दिखेंगी। तो सर एआई के चलते, आप जितने अच्छे से समझा रहे हैं, एआई के चलते जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है आगे चल के, अगर चार लोगों की ज़रूरत है तो एक ही लोग वो सारे टेक्नोलॉजी पूरा कर दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज में ये थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा? मेरा फिर यहाँ मत आपसे भिन्न है, क्योंकि अधिकतर लोगों को जब 1980 के दशक में कंप्यूटर्स आए थे और इंडिया में कंप्यूटर्स यूज़ होने शुरू हुए थे, तो सबसे पहली दिक्कत यही आई थी कि कंप्यूटर आएंगे और हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा दुखी था युवा वर्ग। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर्स ने देखा आपने कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ बनाई जो आज, जिसमें वर्ल्ड आज लीडिंग नंबर पे है, हम सबसे लीडिंग सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं। सो इसी तरीके से हमको एआई के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहा है, क्योंकि एआई खाली एक पर्सन का काम नहीं है, देर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसमें फ्लॉरिश करेंगी और अलग अलग तरीके के काम लोगों के पास आएंगे। सो एआई अपने आप में एक 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 बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जन्म देगा जो कि फर्दर अलग अलग तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए बनेंगी। बट कहीं ना कहीं सोचने का क्षमता तो नहीं कम हो जाएगा, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आज जो है एक कंटेंट भी बन जा रहा है, एक पूरी की पूरी मूवी राइटिंग हो जा रही है, तो आपको नहीं लगेगा कि मतलब ये उतना इफेक्टिव रहेगा? मेरा मानना है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी हमेशा सुप्रीम रहेगी,
क्योंकि जो क्रिएटिविटी ऑब्वियस है, जो हमने मशीन्स बनाई हैं वो हमारे ही द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले भी हम ही हैं। और मशीन से इफेक्टिव चीज़ें निकाल पाना ये भी हमारी ही प्रोग्रामिंग के द्वारा हो सकता है। सो चाहे हम लाख कोशिश कर लें, जबकि हम आज कंटेंट राइट करने लगे हैं, तमाम सारे फोटोज़ को एडिट मूवीज का करके आप बता रहे मूवीज़ थे की क्लिपिंग एग्जांपल दे रहे में थे। पर्संस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, रियल टाइम पिक्चर के साथ में क्लब कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम जहाँ लैक कर रहे हैं वो ये क्रिएटिविटी के लिए इन्वायरमेंट देना। कहाँ हमको ये इन्वायरमेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ह्यूमन ही होगा जो बताएगा मशीन्स को। तो जब तक मशीन्स में खुद से सोचने समझने की शक्ति नहीं आती, तब तक ऑब्वियसली ह्यूमंस के ऊपर मशीन्स नहीं जा सकती, और तब तक ह्यूमंस का रोल वहाँ पे रहेगा ही रहेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज ह्यूमंस के पास रहेंगी। सर बहुत ही क्विकली मैं पूछूंगी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने समझाया, बट फिर भी मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स जो ये कोर्सेज ये ब्रांचेस ऑफ कर रहे हैं इनके लिए चैलेंजेस कहाँ पे आ रही है? चैलेंजेस ये हैं क्योंकि एक साथ हमारे पास इतनी सारी एआई इंस्टीट्यूशंस ने एआई के कोर्सेज हैं, या एआई से मिलते जुलते कोर्सेज, या मैकेट्रॉनिक्स के कोर्सेज, तो अचानक से एक भीड़ हमारे पास आ रही है जिसके के लिए स्टिल हमारे पास वो इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है। सो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल सेट हैं तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप बना करके तमाम सारे गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, और भी तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं, तमाम सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके अपना स्किल इन्हेंसमेंट करके उन एरियाज़ में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ड्रॉबैक मुझे खाली यही दिखता है, इसके अलावा और कोई ड्रॉबैक? सर मैं एक ड्रॉबैक की बात करूंगी क्योंकि अभी जो है जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है इंफोसिस है टीसीएस है या आईबीएम है ये खुद अपने सर्टिफाइड कोर्सेज ला रहे हैं और हर एक के पास ये सारे कोर्सेज हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है कि किसको चूज करें, किसको चूज करने से जो है उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से आए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब एकेडमिक्स को, पहले देर इज़ अ गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री, उसको फिलअप करने के लिए NEP 2020 में इस तरीके के प्रोविजंस आए कि बच्चे खुद से अपने कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं, बाहर से भी कुछ क्रेडिट्स के कोर्स, चॉइस अभी बेस्ड क्रेडिट्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स में, और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स में वो क्रेडिट उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बता दिए हैं या ऑर्गेनाइजेशंस बता दिए हैं, उनमें से वो चूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन अपने कोर्स से रिलेट करता हुआ जो भी वो कोर्स चूज़ करना चाहते हैं इंडस्ट्री से वो ले सकते हैं। सो चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो TCS हो, या चाहे विप्रो हो, सबके अपने टेलर मेड कोर्सेज हैं। मतलब अपने सिलेबस वो खुद चूज कर सकते हैं हाँ राइट सर? हाँ ये ओके तो सर बहुत ही अच्छे से आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो आप देखो कि आपको करना क्या है। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग में अच्छा है आपका अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं तो वो करिए, अगर नहीं है तो आप फिर उस हिसाब से आप अपने कोर्सेज को खुद चूज करिए एंड हम लोग हैं हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। एंड सर इसी के साथ एक लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है जो ये स्टार्टअप्स जो फ्रीलांसर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं उनको सर किस हिसाब से मदद मिल रही है, क्या वो इतना आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर सभी लोग जॉब्स के पीछे जा रहे हैं? इंजीनियरिंग में जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेनली स्किल सेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और जैसे ही हम बात करते हैं स्किल सेट की, तो स्किल सेट में जब भी हम स्किल सेट की बात करते हैं, तो स्किल सेट अगर आपके पास है तो आप इधर अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, या आप अपना फ्रीलांस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और इवन फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके के थ्रू आप अच्छे हैंडसम मनी अर्न कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, आपको अपनी पढ़ाई जो कोर्स करिकुलम है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से लेना है, और साथ में एड ऑन कोर्सेज के ऊपर ध्यान रखना है जो तमाम और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस या इंडस्ट्रीज दे रही हैं, उनको ग्रैब करना है, और ताकि आप एक एक इफ़ेक्टिव पर्सन बने, स्किल्स जो स्किल, आपने बात हाँ करी स्किल ओन करते हुए आप फिर अपने आप को चूज़ करें कि वेदर आपको जॉब में जाना है या आप अपना करियर
खुद शेप करेंगे, या आप जॉब गिवर बनेंगे या जॉब सीकर बनेंगे। थैंक यू सो मच पुनीत सर, आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत इजी वे में आपने समझाया, लेकिन यही एंड नहीं है, हम अगले एपिसोड में जो है हम एक और कोर्स जो कि ब्लॉकचेन उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, गेम डेवलपिंग के ऊपर बात करना चाहेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स हमारे जो है बहुत इंटरेस्ट लेंगे इस आगे जाके इस कोर्सेज के लिए। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू अवर शो, एंड प्लीज हमें ऐसे ही जानकारी देते रहिएगा, हमें यही उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, था ना ये इंटरेस्टिंग? तो मुझे पता है कि काउंसलिंग करते हुए क्या क्या हमें क्वेश्चंस मिलती है आपसे, कैसे आपसे कॉल्स आते हैं हमारे पास। तो आपसे ही मिला हुआ क्वेश्चंस और क्वेरीज को लेके हमने आज का ये एपिसोड डिज़ाइन किया। मुझे आशा है कि आपके जो क्वेरीज है वो ज़रूर हम सॉल्व कर पाए। तो इसी से मिलता जुलता कुछ न्यू अपकमिंग कोर्सेज के साथ हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अच्छे से रहिए, एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं डोंट गेट ओवर स्ट्रेस, और अच्छे से आप अपने एग्जाम्स दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, देखना ना भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर ओनली ऑन प्राइम टीवी एवरी संडे 9 PM। तब तक थैंक यू, बाय बाय।